Hello student, today I want to tell you something about foreign trade or international trade of India. So India's foreign trade, the trade between two or more nations is called foreign trade. दो देशों के बीच में किए जाने वाले व्यापार को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार के नाम से जानते हैं. Foreign trade is also known as external trade. इसे बाहरी व्यापार के नाम से भी जाना जाता है. Almost there are three types of international trade. First import, second export and these export. जिन वस्तुओं का हम बाहर से ख़रीद करके लाते हैं उन्हें हम आयात व्यापार कहते हैं, जिनको हम बेचते हैं उन्हें निर्यात व्यापार, और जिन्हें हम खरीद कर पुनः किसी एक से खरीद कर दूसरे को बेच देते हैं तो दिस इज़ नॉन एज री एक्सपोर्ट. थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेड. द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी की हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होता है. जो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, और जिन जो हमारी बेसिक नीड है पर हम उन्हें हम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं एटलीस्ट हम उनको परचेज कर लेते हैं. तो इकोनॉमिक जो है कंट्री का उसका डेवलपमेंट होता है. मिटिंग्स द शॉर्टेज, और जो जिनकी हमारे पास शॉर्टेज है एटलीस्ट अवेलेबिलिटी ही पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट वो चीज़ें हमें या वो वस्तुएँ या कमोडिटीज़ और सर्विसेज जो है वो कंजम्पशन के लिए अवेलेबल हो जाती है. इम्पोर्ट फॉर बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, कुछ लोग अपने लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए भी कुछ हाई क्वालिटी की जो कमोडिटीज़ होती है उनका इम्पोर्ट करते हैं, तो ये लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने वाला भी होता है. क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन हम इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि अगर इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन को फेस करना है तो एटलीस्ट इंडिया को भी अपने प्रोडक्ट की जो है क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा. तो क्वालिटी जो होती है प्रोडक्ट की वो इम्प्रूव हो जाती है. ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी होती है, इकोनॉमिक की ग्रोथ कंट्रीज़ कंटिन्यूस जो है कंट्री की ग्रोथ इंक्रीज़ होती है. प्रोडक्शन हाई होने की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इंडस्ट्रीज़ का सेटअप होता है, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है. तो जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो कंट्री में अवेलेबल है एटलीस्ट उसका सॉल्यूशंस अवेलेबल हो जाता है. एक्सपेंशन होता है, डिमांड बढ़ती है तो अदर कमोडिटीज़ जो होते हैं, अगर हम पर्टिकुलर एक गुड्स लाते हैं तो अदर कमोडिटीज़ की भी डिमांड होती है, और डिमांड किसी भी इंक्रीज़ होना एक तरीके से किसी कंट्री के लिए बेनिफिशियल होता है कि उस टाइप की इंडस्ट्री का एटलीस्ट सेटअप्स होता है. प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, जो भी रिसोर्सेज एटलीस्ट हमारे पास अवेलेबल है उनका हम एक्सेस में यूटिलाइजेशन कर करके उन कमोडिटी को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अगर हम एलिजिबल है और कैपेबिलिटी हमें अवेलेबल है. तो फॉरेन एक्सचेंज का सोर्स होता है कि जो एक्सपोर्ट किया जाता है उनमें जो हम करेंसी रिसीव करते हैं एटलीस्ट वो फॉरेन करेंसी होती है, तो हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व जो होते हैं वो रिच अमाउंट में प्रिपेयर हो जाते हैं. एटलीस्ट इंडिया के जो एक्सपोर्ट होते हैं वो अलग अलग टाइम में अलग अलग होते हैं, ये डेटाज अलग टाइम्स के हैं तो हमें इन्हें थोड़ा अपडेट करना चाहिए, और एटलीस्ट जो रिसेंट टाइम है उसके डेटाज को इसमें इंक्लूड करना चाहिए. तो सबसे पहला जो डेटा होगा वो आपको एक्सपोर्ट का लेना पड़ेगा कि रियल में एक्सपोर्ट क्या है, और उन एक्सपोर्ट के बिहाफ पे एटलीस्ट हमारी ग्रोथ रेट कितनी इंक्रीज होती है. जैसे 2014 में ये 4% थी, तो गवर्नमेंट जो है का टारगेट था एक्सपोर्ट करने का, तो गवर्नमेंट का टारगेट एक्सपोर्ट का इतना ही था और रियल में जो एक्सपोर्ट हुआ वो इतने लेवल तक हो गया. फॉरेन ट्रेड जो होता है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक की ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए. कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड हैज़ अंडरगोन सब्सटेंशियल चेंजेस पर्टिकुलरली आफ्टर द लिबरलाइजेशन प्रोसेस. लिबरलाइजेशन के बाद जो 1991 में हमने जो इसको अडॉप्ट किया था उसके बाद जो है वो हमारी कंट्री के कंपोजिशन और डायरेक्शन दोनों ही बदल गए हैं. पहले किन किन का होता था, अब किन और वस्तुओं का होता है, पहले किस कंट्री से होता था अब किस और कंट्री से होता है. ओवर द ईयर इंडिया ट्रेड विद द अदर कंट्रीज हैव गॉन सब्सटेंशियली. अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया इज़ नाउ अ मेजर प्लेयर इन द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम्स. तो जो है ये पूरा टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि इंडिया का रिसेंट टाइम में ट्रेड की वजह से ग्लोबल मार्केट में जो कंडीशंस क्रिएट हुई है, जो इसकी गुडविल बढ़ी है, जो पोजीशन इसने हासिल की है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो हमारी पोजीशन को इनक्रीज करने में, इंटरनेशनल लेवल पर गुडविल को मेंटेन करने में जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोल जो होता है वो इंटरनेशनल ट्रेड प्ले करता है. ओके,
इंटरनेशनल ट्रेड की कंपोजिशंस को जो है ऑलमोस्ट हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज़ एक्सपोर्ट एंड सेकेंड इज़ इम्पोर्ट. एक्सपोर्ट जो बेसिकली किया जाता है वो इन कमोडिटीज़ का किया जाता है, और इम्पोर्ट जो बेसिकली किया जाता है ऑलमोस्ट वो इन्हीं कमोडिटीज़ का जो है हम इम्पोर्ट करते हैं. इट रेफर्ड टू द गुड दैट बाय फ्रॉम द अदर कंट्रीज़. इनमें उन गुड्स को इंक्लूड किया जाता है जो हम अदर कंट्रीज़ से लेते हैं. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन वॉज एन एग्रेरियन इकोनॉमी. सबसे पहले इंडिपेंडेंस के टाइम में हम एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थे, तो उनकी रिक्वायरमेंट की जो कमोडिटीज़ थी एटलीस्ट उनका ही इम्पोर्ट होता था. पार्टीशंस से जो था वो फूड शॉर्टेज क्रिएट हो गई, तो हमें क्योंकि हमारा जो वास्ट एरिया था वीट प्रोडक्शंस का वो पाकिस्तान में चला गया, तो हमें फूड ग्रेन्स का इम्पोर्ट करना पड़ता है. इंडिया नीड टू इम्पोर्ट लार्ज क्वान्टिटी ऑफ फूड, कॉटन, जूट एंड एक्स्ट्रा. फिर डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी ओवर दिस डे देयर आर चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ इम्पोर्ट. अब जैसे जैसे डेवलपमेंट की कंडीशंस चेंज हो गई है, हमारी कंट्री के जो इम्पोर्ट है एटलीस्ट उनका भी जो है वो चेंजेस हो गया है.